धरती पर जन्म लेते समय इंसान ईश्वर का रूप होता है, लेकिन पालन पोषण और हालात की वजह से वो राक्षस का रूप धारण कर लेता है। आखिर कौन है ये? असुरों के वंशज हैं या असुरों को मिटाने आए देवता हैं? क्या ये क्रोध और क्रूरता का नतीजा है? ये समाज के दुश्मन हैं या फिर समाज इनका दुश्मन? ये अपने सर पे कफन बांध के निकलते हैं, हथियार इनका रखवाला है, हिम्मत ही इनका कवच। ये गोलपड़े है और ये है सामंत, दोनों इस शहर के खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन है। गोलपड़े दिल से काम लेता है जबकि सामंत दिमाग से। सामंत अपने गुंडों से भी ज्यादा अपनी अक्ल पर भरोसा करता है, इसीलिए सामंत हमेशा गोलपड़े से एक कदम आगे रहता है। ये सब होते हुए भी जान के डर की वजह से इन दोनों ने पिछले 20 सालों से अपने घरों के बाहर कदम नहीं रखा है। कौन पहले मरता है ये देखने के लिए आमने सामने के घर में रहने के बावजूद हर रोज ये आयुध पूजा करवाते हैं। ये है इन दोनों के, एक गुंडे का ये, साथी का ये, चमचे का ये, एटसेट्रा एटसेट्रा। राजा, मैं राजा हूँ दिल का, हीरो मैं तो हूँ महफिल का। से बात करूं दिन को मैं रात करूं, दुनिया से मैं ना डरूं, डॉन हूं मैं, किंग हूं मैं तो इस शहर का, किंग मैं तो हूं इस शहर का। ठोकरों पे है जमाना, मेरे आगे सर झुकाना, सबने मुझे डॉन माना, डॉन हूं मैं। चैन चैन चुराता चलूं, नींद नींद उड़ाता चलूं, दिल दिल में समाता चलूं, सबको मैं डराता चलूं, यो मेरे इशारों पे चले है दुनिया। जिगर वाला मेरे जैसा नहीं, जो ना मेरी बात माने उसका मैं हिसाब करूं, यहाँ पे कानून मेरा मैं इंसाफ करूं, जहाँ मैं खड़ा हो जाऊं वहीं से हो लाइन शुरू, मैं जो चलूं सारे चले, रुक जाए मैं जो रुकूं, ये मेरा अफसाना, सरफिरा हूं मैं दीवाना, मेरी बात जो ना माना उसका ऊपर है ठिकाना, मेरी मर्जी से है जीना, मेरी मर्जी से है मरना। सुन लो मेरी बात, सुन लो मैं डॉन हूं सबका, किंग मैं तो हूं इस शहर का। ठोकरों पे है समाना, मेरे आगे सर झुकाना, सबने मुझे डॉन माना, डॉन हूं मैं। अरे यही तो तेरा दीवाना है, नखरे मत कर राजा। Sure. आया बड़ा सलमान खान, ऐसा ही तेरा राज रहे, तेरे सर पे ताज रहे, ऊपर अब नीचे तू है, तेरा जो ना मेरी बात माने उसका मैं हिसाब करूं, यहाँ पे कानून मेरा मैं इंसाफ करूं, यहाँ मैं खड़ा हो जाऊं वहीं से शुरू, मैं जो चलूं सारे चले, रुक जाए मैं जो रुकूं, राजा हूँ राजा मैं दिल का, हीरो मैं तो हूँ महफिल का।
गोलियों से बात करूं, दिन को मैं रात करूं, दुनिया से मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं किंग हूं, मैं तो इस शहर का किंग, मैं तो हूं इस शहर का। नौकरों पे है जमाना मेरे आगे सर झुकाना, सबने मुझे डॉन माना, डॉन हूं मैं, डॉन हूं मैं, किंग हूं मैं तो इस शहर का, किंग हूं मैं तो इस शहर का, किंग हूं मैं तो इस शहर का, डॉन हूं मैं, डॉन हूं मैं, डॉन हूं मैं। यहाँ इतने लुच्चे लफंगों की मौजूदगी में कोई बहुत बड़ा तीर मारने के लिए गांव से अपने सपने और बोरिया बिस्तर बांध के शहर पहुंच जाता है ये बलराम यानी बाला। सड़क पार करते समय ऐसे लड़खड़ाता है ये, जिंदगी कैसे पार करेगा आइए देखते हैं। हेलो दद्दू, मैं बाला बोल रहा हूँ। दद्दू कौन? बाला, हाँ बलराम, ऑर्फनेज में आपका जूनियर था। हाँ बोलो बाला, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ दद्दू, अभी अभी शहर आया हूँ, सुबह 10 बजे इंटरव्यू है, सोचा आपके फ्लैट पे नहा धो के फ्रेश होके जाऊंगा। ये बात है, कल ही फोन करना चाहिए था ना तुम्हें। मैं शहर से बाहर हूँ बाला। क्या दद्दू, आप शहर से बाहर गए? अरे रे, यहाँ मैं आपके सिवा किसी को जानता भी नहीं हूँ। तू भी ना, इंटरव्यू के लिए भी जाना है। जहाँ चाबी रखता हूँ वहीं है, जाकर ले लेना ठीक है? ठीक है दद्दू। इंटरव्यू खत्म होते ही फौरन वहां से निकल जाना ठीक है? ओके दद्दू, ऑल द बेस्ट बाला। I'm an independent diva, put aside that you ever still checking my own sins. I don't want no blame, calling all the shots and battling nobody's permission. ये है एंजल, जैसा नाम वैसा ये है इसका करैक्टर, मेरे बताने से बेहतर होगा। फूल मत बिखराओ, बस करो। 30,000 पगार मिलने वाला एकता को पता चल गया क्या? भाई भाई ये लीजिए, आपका मन पसंदीदा मटन फ्राई। अरे चम्मच देना। दे रहा हूँ ना भाई। दद्दू क्या बात है बाला? नौकरी मिल गई दद्दू, मुझे 19 तारीख को ज्वाइन करना है। बहुत खुश हूँ दद्दू। इस वक्त तो कहाँ है? आपके ही घर हूँ दद्दू। हे,
अभी तक तो गया नहीं। 20 साल स्ट्रगल किए, अनाथ आश्रम, वार्डन, बनवारी के हाथों का खाना, बहुत हो गया। अब तो फौरन घर से निकलता है कि नहीं? छोटी बियर, नॉनवेज खाना, पीछे फोगट का स्प्लिट एसी और आगे एलसीडी टीवी, बलराम की तो ऐशी ऐशी। पागल, ये सब इंस्टॉलमेंट आइटम है बे। इलेक्ट्रॉनिक के धंधे में काफी नुकसान हो गया, ब्याज पर रुपए लेकर जो शेयर में इन्वेस्ट किया था वो भी डूब गया। मदन भाई, मैं भी वहां से। और कुछ चाहिए? ए, जाना, हमेशा टेंशन में रहते हो। घर पर नहीं रहता हूँ। ये सब मामूली बातें हैं दद्दू। जो कुछ लाया खा पी के जल्दी वहाँ से निकल। 4-5 दिन में घर देख लूंगा दद्दू, तब तक अपने छोटे भाई को इस पैलेस में थोड़ी सी जगह नहीं मिलेगी। थैंक्स दद्दू। रखता हूँ दद्दू, गुड नाइट। समझा। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं। जैसे जैसे बहाने करके उस सिचुएशन को हैंडल किया मैंने। एक नंबर की रेडियो मिर्ची। अबे अपनी चपड़ चपड़ बंद कर। मेरा नाम एंजल है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये नाम मुझे किसने दिया। लिटिल फ्लावर ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। एक्वा ब्लू कंपनी में टैग करने का काम करती हूँ, और शाम तक जिस घर से टैग निकलता नहीं है बस अंदर घुस जाती हूँ, और सुबह तक वो घर मेरा हो जाता है। अगले दिन कोई और नया घर। यही मेरी जिंदगी है। कुल मिलाकर राम नाम जपना, पराया माल अपना, यही है एंजल की फिलॉसफी। हाय भजनलाल, ये मुझे भजनलाल बोलती है, पता नहीं कौन है। मंगल को टपकाने के बाद सावन थोड़ा पागल हो गया है, आप थोड़ा सा बच के रहिए। पापा मैं निकल रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, पहुँच कर फोन करता हूँ। जग भैया पापा का ध्यान रखिएगा। क्या कर रहे हैं? अच्छा चलता हूँ, ठीक है। देखो ज्यादा पीकर अपनी सेहत खराब मत करना, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा तुम लोग अपना ध्यान रखना, फिर मिलता हूँ। डॉक्टर को फोन कर। Thank you.
मेरे बेटे को मार दिया तो उस दुख में मैं भी मर जाऊंगा सोचा उसने। नहीं नहीं, अभी तो मैं खा पी कर तगड़ा बनूंगा। रख दे मटन चिकन सब रख दे, रख रख रख। ए खाकी, मेरे बेटे के क्रियाकर्म होने से पहले उसके बेटे को, वो सावंत है ना, वो खुद आग देगा। हाँ। रख और दे, शुरुआत है ना। वारदात हुए काफी देर हो गई, अभी तक आपकी तरफ से किसी ने आकर कंप्लेंट नहीं लिखवाई। कंप्लेंट? मेरा बेटा सुबह जब वॉकिंग गया था तब काव काव कव्वे ने चोंच मारा, यहाँ चोंच मारा और नीचे गिर के मर गया। लिख लो। ए, अरे तू क्या देख रहा है, अंडा रख। मैं किसके लिए चिकन बना रहा हूँ? ए, 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 बस करो, रोना बंद करो। रोना नहीं चाहिए, मुझे दे दो, मुझे बना के दो, रोज हर रोज मुझे बना के खिलाओ। आइंदा कोई भी इस घर में नहीं रोएगा, नहीं रोएगा। 16 दिनों में मेरा दावा है वो सावंत अपने बेटे को लोरी गा के सुलाएगा। क्या हुआ मोहन? सब जगह बंदोबस्त कर दिया। ओके ओके। शंकर गोलपड़े का इकलौता बेटा भास्कर गोलपड़े हर रोज की तरह आज सुबह 5 बजे वॉकिंग में जाते समय कौवे के चोंच मारने की वजह से मर गया, ये शिकायत दर्ज किया शंकर गोलपड़े ने। सर आप किस सोच में डूबे हैं ये मैं जानता हूँ, कौवे का कोई एड्रेस वगैरह तो होता नहीं है, कहाँ जाके पकड़ेंगे यही ना? उसके लिए मेरे पास आइडिया है, जिस कौवे के चोंच में खून लगा उसे पकड़ लेंगे। बोलिए। कहीं मुझे प्रमोशन न मिल जाए, इस बात से जलते हैं साहब। अपने बेटे का क्रियाकर्म करने के लिए मुझे लगता है गोलपड़े जिंदा नहीं रहेगा। पहले अपने बेटे की हिफाजत के बारे में सोचिए, कह रहा था टपका देगा। ये टेंशन खत्म होने तक पुलिस वाले यही रहेंगे, जरा कोऑपरेट कीजिएगा। सुनो। हाँ? उसके बेटे की मौत की खुशी में मैं सबको दावत दे रहा हूँ, लौटने से पहले सबके साथ मिलके खा के जाओ। नाक कट गई, अच्छा टारी लेना फिल्म का। जरा नीचे देखो, हमारा अगला प्रोडक्शन चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बढ़िया है। सर, बटालियन 1 को उस तरफ लगा दिया है, बटालियन 2 को इधर। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल सर। धूप बहुत तेज है ना? हाँ, तेज है सर। अनवर, वहाँ नुक्कड़ पे मुफ्त की दावत दी जा रही है, सबको वहाँ ले जाके खाना खिला दो। मटन बिरयानी है अनवर भाई। इस बस कर दो। यस सर। बटालियन डिस्पोज। सर आपने पुलिस बंदोबस्त निकाल दिया, वहाँ कौवे आपस में लड़के मरेंगे। कौवों की लड़ाई में हमारा क्या काम? सर आपकी बातों से लगता है आज से हम वाकई पब्लिक की सेवा करने वाले हैं। उसके क्रियाकर्म में 16 दिन बाकी हैं, तब तक आराम से कैलेंडर फाड़ते हैं। इसका मतलब कि आप देखना चाहते हैं कि किसका सर पहले कट जाता है। आदित्य अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसे घर नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसकी मंगनी? लड़की वालों से मैं बात करता हूं। फ्लाइट कितने बजे की है? 8 बॉटल कहाँ है? आगे ले लो। Where the hell it is, man? वहीं कहीं होगी, देखना। Man,
मैं कौन हूँ बताओ? आपका बचपना नहीं गया भाई। मार खाने का अफसोस मत कर, मंगनी के दिन खूब पिलाऊंगा। तुम्हारे पापा ने मंगनी कैंसिल कर दिया। किससे पूछकर कैंसिल किया? गोलपड़े के बेटे को हमारे आदमियों ने टपका दिया, वो मामला अब बढ़ गया है। हाँ तो देखो आदि, वो लोग तुम्हें टपकाने के लिए गली के नुक्कड़ पर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर आने के लिए मना किया। व्हाट द हेल यू आर टेलिंग मी नाउ? यू वुड हैव टोल्ड मी यस्टरडे। अरे सुनो तो आदि, घर पर जाने के लिए डरूं? के अंदर तुम्हारी बहू के ऐलान का पोस्टर दीवारों पर चिपकाने के लिए उन्होंने तैयार कर रखा है। तो फिर अब मैं क्या करूं? हां, अगर तुम जीना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। कौन है? रूम बॉय। ये लीजिए पेपर। आना, अभी मैं हैदराबाद से आना। जग्गू को बोलने का मेरे से बात करने का, मेरे को उससे बात करने की है। हाँ ओके जग्गू भाई, काम हो जाएगा। किसी भी तरह कोई घर ढूंढ नहीं होगा। शायद फाइनेंस पार्टी है। ए, भाई ने तेरे को बुलाया है। छोटा भाई मजा चखाएगा। वो उल्लू का पट्टा अभी तक जिंदा है? उससे बोलना कि मैं उसे चप्पल से मारूंगा, बेवकूफ कहीं का। 10 साल की उम्र में मैंने उसकी चड्डी क्या ले ली, वो गांव छोड़ के भाग गया साला। ठीक है, मैं आ जाता। अभी तुम्हें सूंघते हुए चड्डी लाने को भेजा है क्या? तुम यहीं रुको, फोन रख। ये ले उसकी अमानत। बहुत बू आ रही है। 10 साल हो गए ना। गोलपड़े को भूल गया तू? अब उनकी भी बाकी हैं। देखो भाई, मैंने सिर्फ उसकी चड्डी ही ली थी। अब ये गोलपड़े इसकी धापड़े बोलेंगे तो मेरे हाथ के 2 पड़ेंगे। तुम लोग कुछ भी बोलो, मैं धो के नहीं दे सकता। चाहो तो कालिए से धुलवा लो। मुझसे धुलाएगा तू? अबे हीरो, ब्याज का पैसा लेने आए तो चड्डी की कहानी सुना रहा है, लुच्चा कहीं का। भाई आप तो एकदम सीरियस हो गए। मार खाने के बाद ही तुझे अकल आती है। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। उसने तो नाक में दम कर दिया। हां, उससे मैं कल निपट लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। हिल ना मत। सदाशिव साहब, ठीक 5 तारीख को ब्याज पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो दांत उखाड़ दूंगा। जगदेश, डोंट बी सिली यार। तूने क्या सोचा मैं मजाक कर रहा था? नहीं। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे एक एक दांत निकालता जाऊंगा, समझ गया? शाम होने से पहले ब्याज भर देना, नहीं तो सुबह शराफत से यहाँ आकर बैठ जाना। उखाड़ लूंगा भाई। अगर तूने कहीं भागने के बारे में सोचा भी तो तुझे ढूंढ कर तेरी आंखें उखाड़ लूंगा। चल फट फट, सरकारी दफ्तर में काम। इस बिल्डिंग का कलर अच्छा नहीं है, ब्लू कलर ही इसको पसंद था। इस फ्रेम को अच्छा सा सीरियल लाइट लगाना। ठीक है साहब। जाओ, 2 दिन में मैं करके दे देता। देर मत करना। जरूर दे दूंगा। ए, जी मालिक। क्रियाकर्म में अब कितने दिन बाकी है? 12 दिन मालिक, सब इंतजाम हो रहा है। एक मिनट मालिक। Thank you.
उसे अभी इतना तो नहीं मिल सकता, चाहे तो 5 लाख रुपए दिला दूंगा। चल अभी फोन रख। दादा नमस्ते। कौन है ये? मदन प्रकाश। मैं मदन प्रकाश नहीं हूँ, मैं उसके घर पे रह रहा हूँ। छोड़ छोड़ दीजिए दादा, मैं मुझ पर यकीन नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। भाई मेरी उंगली काट रहा साला, छोड़ ना। मेरा नाम बलराम है, बलराम वर्मा एमसी है। बोले तो निकम में कहीं के कैसे हंस पाते हो तुम लोग? हाँ, अब 12 दिनों में अपने बेटे के क्रियाकर्म करने वाला हूँ मैं। उस तरफ जाने वाले सभी फोटो बनकर वापस आते हैं। हे हे हे, आगे क्या करना है सोचना नहीं है? हाँ, उसको छोड़ के 1500 रुपयों के लिए दांत उखाड़ रहे हो तुम लोग। हे हे हे, क्या हो गया, क्या हो गया है तुम लोगों को? हाँ, नालायक कहीं के। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अबे चलना। चलना क्या, अगर इस तरह वसूली नहीं की तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? देखिए, इसे 3 लाख, इसे 7 लाख, शोलापुर वाले को 4 लाख, आगे और भी आते रहेंगे, कहाँ से देंगे आप? आपका बेटा मर गया तो आप शांति से हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं बैठ सकते। हमें अपना धंधा देखना पड़ेगा। दूसरों को सौंपने की बजाय ये काम आप मुझे सौंप दीजिए, मैं देख लूंगा। इससे पहले तेरा बाप मर गया, उसके बाद तेरा भाई, अब तू आगे जाएगा, वो तुझे मारेगा या फिर उसे तू मारेगा। इस तरह एक दूसरे को मार मार के सब खत्म हो जाएंगे। आखिर में मैं और मेरे दुश्मन आमने सामने होंगे। पुलिस आके हम दोनों को गोली मार देगी, नतीजा पूरे ग्रुप का राशन कार्ड फट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। इसके दांत उखाड़ दे। बस कर। पैसा हजम कर लिया साला। बस भी करना। क्या है? बोल। गोल पड़े भाई। चुप। रुकिए ना भाई, ये आजमगढ़ वाला है ना? तो क्या हुआ? और ये हैदराबादी है ना? तू मार खाएगा अभी। बोलो ना दा, टेंशन मत लो, ये हैदराबादी है ना? हाँ, तो क्या हुआ? सब पुराने मॉडल हैं, टोटल सेटअप वेस्ट। पीछे हटो सब। अरे ये तो कमाल हो गया। होने देना। क्या हुआ? ओवर एक्टिंग कर रहे साहब। अरे इन सबको किसी टीवी सीरियल में भेज दीजिए। रुकना। आई एकदम भोजपुरी फिल्म, पूरी फिल्म सिटी यहीं पर मौजूद है। तुम लोग कभी नहीं बदलोगे। ये देखिए, इसे देखने से लगता है 10 तंदूरी चिकन खा सकता है, फिर भेजा कैसे काम करेगा? सुनो जासपर भाई, बोटी किडनी कलेजा रान और फेफड़ा भी मिल गया, लेकिन भेजा नहीं मिला, क्या करूं भाई? ए चल भाग। सब क्या हो रहा है? चल भाग। अरे कर रहा, दोपहर को खाने आना तब बताता हूँ। देख लिया साहब, इस तरह बकरे के स्पेयर पार्ट से खाते रहेंगे तो फिर आदमी कैसे टपकाएंगे? लीड ही डालेगा। पॉइंट है सर, पकड़ लिया आपने। थैंक्स। जॉन एफ कैनेडी को जानते हैं सर? वो ठीक से टपकाएगा। वो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे साहब, उन्हें किसी ने टपका दिया, ऑसवर्ड नाम के आदमी ने, 4 फुट वाला। हाँ? यकीन नहीं हो रहा है ना? इसी तरह हर बात में ब्रेन वर्क और प्लानिंग से ही कामयाबी मिलती है। हम कोई भी काम करते हैं 80% जोश में आके सोचते हैं, सिर्फ 20% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। यही फिरंगियों की बात ले लीजिए, 80% अक्ल, 20% जोश का इस्तेमाल करके आसानी से जीत कर निकल जाते हैं। सोच के तो देखिए, आप एक हाथी को गिराने तो, मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, गिराने के लिए दूसरे हाथी को ढूंढ रहे हैं। रॉन्ग प्लान। यही मैं होता तो क्या करता पता है? एक छोटी सी चींटी को लेके इस हाथी के, बोलने देना, आराम करते वक्त उसके कान में छोड़ देता, वो चींटी हाथी के दिमाग को काट के चबा के खत्म कर देती, और मैं दूर से उसे देखकर उस नजारे का लुफ्त उठाता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको जरूरत है एक चींटी की, उसे ढूंढिए। ये बताने के लिए ही आपको मैंने एक्सक्यूज मी कहा। मेरी शक्ल देखिए, 3 लाख उधार लेके हजम करने वाला लगता हूँ मैं। मुझे देखिए सर, मंदिर के सामने खड़ा भिखारी लग रहा हूँ ना?
नौकरी की तलाश में आया हूँ साहब। पहचान वाले के कमरे में ठहरा तो मुझे उठा के दांत उखाड़ने लगे ये लोग। मुझे छोड़ने के लिए कहिए प्लीज सर। ए, भाई इससे वसूली मत करना। साहब साहब थैंक यू साहब। गोलपड़े साहब सुन लिया ना? मैं ही गोलपड़े हूँ, नहीं बताया? अरे साहब आप है दादा तुम भी ना साहब। इसी को हमारे गांव में कहते हैं कि हाथी को भी ठोकर लग सकती है। तू हाथी नहीं है, चींटी है। सामने के घर में मेरा जो दुश्मन है ना, उसके बेटे को तू टपकाएगा। टपकाएगा। साहब साहब मैं कैसे साहब? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नौकरी में जाना है साहब। मुझे छोड़ दीजिए साहब साहब। क्या हुआ साहब? प्लीज साहब। ए, मेरे बेटे के 16वें दिन के क्रियाकर्म से पहले उसे तो टपकाएगा, नहीं तो 17वें दिन इसे कौन टपकाएगा? याद रखना भाई, क्या तरीका इसे सौंप रहे हैं जगदीश। इतनी सी साइज का होते हुए भी मुझे हाथी घोड़े की कहानी सुनाने की हिम्मत रखता है? मैंने जो कहा उसे करना पड़ेगा, देख लेना। 16 दिन के अंदर टपका देना साहब। अगर आपने नहीं टपकाया तो 17वें दिन आप पे पहला वार मैं करूंगा साहब। चलो साहब चलता हूं मैं। ए, हाथी के कुचलने के बारे में सुना है ना, 16 दिन के अंदर टपका देना वरना कुटला जाएगा। ए, भोजपुरी फिल्म, अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं क्रियाकर्म के लिए। उसके अंदर तूने उसको नहीं टपकाया तो 17वें दिन पर तेरा क्रियाकर्म मैं करूंगा। मेरे को भोजपुरी फिल्में कितनी पसंद है। सबके सामने इंसल्ट कर दिया साले ने। कैसा है बेटा? ठीक हूँ लेकिन एकदम बोर हो रहा हूँ। गाड़ी में ही है ना? लगता है गिर जाऊंगा मैं। यही तो मुझे भी डर है। उसके बेटे की मौत के बाद वो रोज मेरे एक एक आदमी को मारता था, आज किसी को भी नहीं मारा। कोई खबर नहीं, चारों तरफ सन्नाटा है। इसीलिए तो क्या मैं घर आ जाऊँ? अरे पागल हो गया क्या? क्यों जल्दबाजी कर रहा है? दुश्मन जब खामोश हो मतलब वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। इतनी भी तेरी समझ में नहीं आता? बेकार में लंबा चौड़ा हो गया है। अरे बेटा अभी ही तुझे सावधानी बरतनी है। सावधानी? इससे ज्यादा क्या सावधानी? पिंजरे में बंद हुआ ऐसा लग रहा मुझे। आपने मुझे चिड़िया बना के रख दिया। अपने चमचों से कहो ये पिंजरा खोल दे, मैं कहीं खुली हवा में जाकर अच्छे अच्छे दाने चुन 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 के खा लूंगा। महफूज रहना बुजदिली नहीं अकलमंदी है। अबे तेरा बाप 20 साल से अगर घर में ही बैठा है तो मारे डर के नहीं। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तेरी देखभाल कौन करेगा? ए डैड, मेरे बाप, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। खुद की जान बचाने के लिए घर में दुबके रहते हो, अब मेरी जान बचाने का लॉजिक मार रहे हो क्या? hey, अभी सिर्फ 12 दिन बचे, चुपचाप बैठा रहे। तुझे टपकाने आखिर कौन आता है? मैं भी देखता हूँ। सड़क पे खुलेआम तौलिया पहन के गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है क्या? तेरे हाथ को लकवा मारे तेरी तो। इधर आ साले। अरे तू गाड़ी चलाते रहना, इस लुच्चे से गाड़ी रोककर क्या बात करनी, चलते चलते इंक्वायरी कर लेंगे। भाई छोड़ दो प्लीज। ए, अरे सुबह सुबह तू किसके मुंह लग रहा है, छोड़ देना चलते हैं। चलाओ ना भाई, टाइम पास भी तो करा है। छोड़ दो ना, शराफत से बोलता हूँ नहीं छोड़ोगे। मैं क्या शक्ल से घोजू लगता हूँ? सुबह सुबह तो लफंग गया है और मुझे उठा कर ले गए, और कोई कहता है सामने वाले घर के लड़के को टपका डालो, छोड़ना। इस घर के लोग हैं?
वो देखो उस बंगले में रहता ना उस गोल पड़े ने। ए, ए, मेरा टावल छोड़ 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 टावल छोड़ जाता है छोड़ दो मुझे छोड़ दो। सर मदन प्रकाश ऑफनेज में मेरा सीनियर था सर, यहाँ इंटरव्यू देके उसी के घर में रह रहा था। लगता है उसने गोलपड़े साहब से कुछ पैसे उधार लिए हैं, इसलिए उनके लोग आके वो है समझ के मुझे उठा ले गए। जहाँ मैं गया वहाँ चुपचाप रहने के बजाय आइडिया देने लगा कि एक हाथी को मारने के लिए दूसरा हाथी किस लिए, एक चींटी ही काफी है कहा। उन्होंने कहा तू ही वो चींटी है और 16वें दिन के पहले आपके बेटे को तू ही टपकाएगा। अरे साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, चलते चलते वही सोच रहा था आपके लोग मुझे उठा के यहाँ ले आए। सर 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 एक मिनट सर चेकमेट सर। ये मेरा गेम है सर, अनजाने में घुस गया सर। घुस गया ना सर, आइडिया दे रहा है। बीस साल पुराना गेम है, इसे मैं ही चेकमेट दूंगा। प्यादे को पैक करो। ये क्या भाई, घर पर छोड़ने के बजाय यहाँ लेकर आए हो? छोटा सा काम है बेटा, निपटा कर चलते हैं। एनी हेल्प? जरा इधर आके हाथ बटा। हाँ। अच्छा भाई वो साहब 20 साल से एक ही गेम खेलते आए हैं? हाँ। वो भी गलत खेल रहे थे। अरे वो उनका गेम है, वो ऐसे ही खेलते हैं। बता दिया तो भी नहीं मान रहे थे। यहाँ पे क्या काम है भाई, ओवर धूप है ना? हाँ, ज्यादा बोलने वाले को यहाँ पर लाकर हम खड्डा खुदवाते हैं। हम्म, अरे बाप रे, लगता है ज्यादा बोलने वाले बहुत सारे लोग मिले होंगे। तो मैंने भी कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं तूने थोड़ा ही बोला है, इसलिए अपने साइज का खोद ले। बस इतना ही ना? खोद। डर गया था कहीं मुझसे बड़ा तो नहीं खुदवाओगे। हाँ उस तरफ खोद, पाँव में लगेगा देखना। भाई काफी है ना? काफी है, ला। ए, रुकना। अरे रोक क्यों रहा है तो? सुन बेटा चुपचाप तू लेट जा, हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, तू साइलेंटली पहुंच जाएगा। मुझे गाड़ने के लिए मुझसे ही खड़ा। अरे लेट जाना। अरे ठोक देता है इसे। मैंने क्या किया भाई? देख तो गलती कर रहा है तू। देख इसे ठोक गोली मारेगा तो भेजा बिखर जाएगा। तू मेरी बात तड़प तड़प के मारेगा साला। ए छोटा सा बच्चा है, तुझे बच्चा समझ आया क्या? उसे मरने देना। अरे बात सुनना, उसे दफनाने के बाद हम लोग चले जाएंगे ना। देख मेरी बात, तू मानता क्यों नहीं है? देख 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 पा। ए क्या भागता रे, बच्चा समझते है उसको। अरे पकड़ साले को। ए रुक। समझ के रहम खाया तो मुझे ही उल्लू बनाया।
भाई भाई गांव से बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए सपने लेकर आया हूँ भाई, अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो मेरे सपने से मारा कर लेने देना, छोड़ दो भाई, दर्द हो रहा है ना, बड़े शहने की तरह भाग रहा था ना, तो फिर आप बर्दाश्त कर, अरे काय का दर्द हो रहा है, दर्द होता है तो होने देना, बदन मिट्टी में घिसेगा तो दर्द तो होगा ही ना, मैंने पहले से ही मारने के लिए मना किया था, क्यों नहीं सुना, पीटी उषा की तरह दौड़ रहा, जल्दी इसे खत्म करते हैं, अंधेरा भी होने वाला है। आखिर मैंने क्या किया है भाई, जिंदगी में कभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बाइक पर सवार है एक सुंदर कविता। ओह, मुंह से तो लार टपका रहा है और न जाने कहां कहां से। क्यों बे, क्या हुआ, हंस क्यों रहा है, हाँ टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, लड़की लाने कहा था ना, क्या हुआ, अरे चलती गाड़ी में लड़की नहीं आ सकती है, अरे समझा ना भाई को। गाड़ी से तू चलता बन भाई, मजाक मत करो, अरे चलती गाड़ी से मैं कैसे चलता बनूं, चलती गाड़ी से उठाकर फेंक दूंगा जानता है ना भाई, मजाक बहुत हो गया, अपना भाई भी यार, चलो उतर, चल उतर ना, अरे मैं उतरू, यही ना, तो उतरता हूँ मैं, अरे मैं तो उतर के पतली गली पकड़ के निकल जाऊंगा ना, अरे कितने पिकअप किए हैं, कितने ड्रॉप किए हैं, अरे मैं उतरने वाला हूँ सड़क पर, जो भी जा रहा है समझ के जाना, गाड़िया के साथ ही आना। मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं, किचन कहाँ है, कहाँ ढूंढूं, ओहो 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 ओहो, तेरी कहीं फंस तो नहीं गई, कौन है बे तू, दफनाने से पहले ही उठ के चली आई हुई लाश की तरह, ए तू कौन है री, मैं टॉवल पहनी हुई लड़की, तू टॉवल पहना हुआ लड़का, सेम थिंग, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, हेलो पहले मैंने पूछा है, अरे सुन ये फ्लैट मेरा है। चलो मैंने मान लिया। मेरी बात सुन, शर्मा मत, बता दे मैडम, मैडम मैं म्युनिसिपैलिटी के बाथरूम में नहा रहा था, वहाँ एक पागल कुत्ता आया और मैं ऐसे डर के मारे भाग गया कि सीधे यहाँ पहुँच गया, ऐसा बोलने में किस बात का प्रेस्टीज, किस बात का ईगो है, हाँ ए गुस्सा मत दिला, तू मदन प्रकाश की वो है क्या, ए बिड़ू मैं मदन प्रकाश की ये हूँ वो हूँ इससे तुझे कोई मतलब नहीं, दरवाजे पे ताला देखा, मेरे लिए ग्रीन सिग्नल, मैं अंदर घुस गई, ये बता तू यहाँ कैसे, चाबी अंदर छूट गई थी इसलिए दीवार खुद कर आया हूँ, अब क्या तुझे सफाई देनी पड़ेगी, एक दूंगा नहीं।
फुलटू फिल्मी है रे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। अरे क्या कर रही है, पागल है क्या? चल रहा है क्या? अबे चल, बहुत चल रहा है। ये क्या कर रही हो? मेरी हालत जाने बिना। मैं हो रहा, मैं मलहम लगाती हूँ ऑन योर बैक, तब तक बोल दे तू अपना फ्लैशबैक। एक तरफ सावन, एक तरफ गोलपड़े, तुम इन दोनों के बीच में कहाँ फंस गए? ए बच्चू, तू तो बहुत किस्मत वाला है रे। देख मेरी बात सुन, बाकी बचे हैं सिर्फ 12 दिन, लास्ट स्वीट 12 डेज। ये तो मुझे मार कर ही छोड़ेगी। मेरे साथ पार्टनर बन जाओ और फिर देखना, तितली बनकर उड़ेंगे, हवा बनके पहाड़ों पे राज करेंगे। सुन, ये भी कोई जिंदगी है? ए, क्या बकवास कर रहा है, हैं? पास में एक फ्लैट खाली पड़ा है, तो 10 मिनट अंदर घुस के आ जा, फिर तुझे मारती हूं। मैं वहां कैसे? वो तुझसे नहीं होगा ना, डर गया ना? तुम्हें लगा ये आसान काम है? ये सब करके तू चैन की नींद सो पाती है? इलेक्ट्रिक बिल, केबल बिल, पेपर बिल, फोन बिल, गैस, दूध, किराया, खाना, पानी, इंटरनेट, गुड नाइट, इंस्टॉलमेंट, लोन, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इंटरेस्ट, टैक्स, ईएमआई, मामा, मामी, मम्मी, पापा, ऐसे किसी भी टॉर्चर के बगैर बड़ी खुशी से रहती है ये इंजन। आखिर ये खुशी कब तक टिकेगी? ए, बिजली को देखने से आग फूट जाएगी कहते हैं, और ना देखो तो? ना देखो तो? तो बिजली चली जाएगी, तेरी हालत भी इसी तरह है, सिर्फ 12 दिन ये उड़ जाएंगे। ए, यहाँ से फूटेगी क्या? मैं इस तरह फूटने वालों में से नहीं, अभी समझाती हूँ। ए, जब भी कोई सीन खत्म होता है तो एक जोरदार पंच डायलॉग होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, बात सुन, लाइफ सम टाइम्स इट्स टू हॉट बिडू, बट मेनी टाइम्स इट्स वेरी शॉर्ट बिडू। शॉर्ट बिडू तुझे तो मैं इससे तो उन लोगों का टॉर्चर बेटर था। इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स, उसे डांट कर मैंने गलती तो नहीं की? क्या एंजल जा रही हो? फिर से शुरू हो गई। एंजल माने परी, वो एक जगह नहीं रुकती, वो हर जगह घूमती रहती है, समझे? समझ गया। मरने का दिन पता चल गया है ना, तो जीने के दिन खुशी खुशी बिताओ। तुम ये क्या? रुक 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 रुक, रुक। मेरी बात तो चुप। अमेरिका में एक एंजेलिना जोली है और यहाँ इंडिया में ये एंजल ही जोली है, तो मैं चलूं? एंजल एंजल, कंफ्यूज हो गया हूँ। तो सावंत की नजर में तू मर गया है, और गोलपड़ी के लिए भी तू मर गया है, तो तू एक काम कर, चुपचाप अपने गांव भाग जा। क्या कह रही हो? क्यों इस बेचारी एंजल को टॉर्चर कर रहा है? यहाँ मैं कुछ कर दिखाने के लिए आया हूँ, धीरू भाई अंबानी की तरह, इंफोसिस नारायण मूर्ति की तरह, टाटा बिरला, बिल गेट्स, इन सबसे एक कदम आगे चलकर इतिहास में मेरा नाम भी हो, यही मैं चाहता हूँ। इस लक्ष्य को भूलकर कैसे भाग सकता हूँ? करीब आओ। अरे आओ ना, चलो हंसो हंसो भी। ये क्या एंजल, मेरे साथ फोटो ले लिया? वैसे भी तू मरने वाला है, फिर भी समझ ले कि तू बिल गेट्स बन गया। तो मैं सबको बताऊंगी ना कि तुम मेरे फ्रेंड थे। एंजल एंजल एंजल, तुम चाहो तो अपने दोस्त को बचा सकती हो। एंजल एंजल, पूरी रात सोच सोच कर उन दोनों से बचने के लिए मैंने एक रास्ता निकाला है। एंजल, मदन प्रकाश ने गोलपड़े से 3 लाख कर्जा लिया था ना, 3 महीने से उसने ब्याज नहीं भरा है, वो ब्याज का पैसा 60,000 भर दिया समझो, फिर मैं आसानी से गोलपड़े से पीछा छुड़ा सकता हूँ। सावंत कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसकी नजर से बचने के लिए अगर मैं 1 साल तक हेलमेट पहनकर घूमूंगा तो वो धीरे धीरे मुझे भूल जाएगा। तो फिर तो बिल गेट्स बन जाना, ठीक है? एंजल एंजल एंजल, वो 60,000 रुपए मेरे पांव पकड़ेगा, तो पैसे लेने के लिए क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? ऐसी टिंगलिंग वाली कहानी अगर तुमने मुझे सुनाई तो तुम्हारी नाक पकड़कर जमीन पे रगड़ रगड़ के फ्लैट कर दूंगी। एंजल प्लीज एंजल, क्या है रे? तूने ही कहा था ना कि ये पल सच है, आने वाला पल झूठ है। रिपीट कर रहा है? ठीक है, तू भी क्या याद करेगा, चल।
सावंत और गोलपड़े एक साथ तो नहीं हो गए ना? सावंत साहब नहीं। मिस्टर बालक बैठ जाओ। तू है? डर गया क्या? तू सावंत के बारे में नहीं जानती, वो इंसान को जिंदा दफनाता है। अच्छा ये सावंत गरजता है या परजता है? सब क्या है यार? इतिहास में जगह बन गई। मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में तुम्हारा नाम बोल्ड में लिखूंगा। एक दूंगी ना, सिग्नेचर कर। एक सिग्नेचर क्या चाहिए, तो हजार सिग्नेचर करके देता हूँ। करते ही रहूंगा, जितना चाहो करते ही रहूंगा। 6 बजे के बाद आना, हाँ चाहे जितने भी पेपर लेकर आ जाना, पूरे बंडल लेकर आओ, जितनी सिग्नेचर चाहिए कर देता हूँ। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। गोल पड़े, गोल पड़े, गोल पड़े। ये तो गया और मेरे पैसे भी। सुन बेटा, चुपचाप तू लेट जा, हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। भाई मैंने क्या किया भाई? क्या देख मेरी बात, मानता क्यों नहीं? देख देख देखो भाई, गांव से बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे लेकर आया हूँ भाई। जिंदगी में कभी ज्यादा नहीं मांगा। आखिर मैंने क्या किया है भाई? दर्द हो रहा है ना? छोड़ दो भाई, की तरह भाग रहा था ना, तो मेरा बर्दाश्त कर भाई, छोड़ दो। ₹80% अकल, 20% जोश। मुझे अकल सिखा के खुद कब्र में पहुंच गया है। सुवर की औलाद, उसका बेटा नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? हमें भी तो नहीं भेज रहे ना? आपको हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं? हाँ नहीं है। तुम लोग जाओगे तो भी फोटो बनकर ही वापस आओगे। ए, क्या हुआ? देख क्या हुआ रे? उधर। अरे क्या हुआ? मुर्दा जिंदा होकर आ गया भाई। अच्छा तो जाके जला के आ जा। तू क्या बकरा रे? जो मर गया वो जिंदा होकर आ गया है। ऐसा गई है क्या? है भूत है क्या? अरे कौन है वहाँ? सामने आ जा बे। कौन है? मैंने कहा ना, आपने मेरी बात नहीं मानी ना। वो देखिए, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो देखिए, बोला था ना। नमस्ते साहब। नमस्ते भाई। मदन प्रकाश भाई के 3 महीने के ब्याज के पैसे हैं ये, लीजिए ना भाई। असल भी थोड़ा थोड़ा करके भर दूंगा। आप लोगों से मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिएगा साहब। 19 तारीख को मैं नौकरी पर ज्वाइन कर रहा हूँ, असल की रकम भी भर दूंगा। चलता हूँ साहब। बच्चे, बच्चे। साहब, मुझे बुलाया साहब? आज तक लाखों करोड़ों खर्च करके मैंने कई लोगों को भेजा था। जाने वाले सभी लोग फोटो बनकर ही लौटे। तू इतना सा तू कैसे लौटाया? ये तो मामूली बात है साहब। इतनी बड़ी बात तेरे लिए मामूली बात है? डिफरेंट 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 डिफरेंट। हाँ वो आप हैं साहब? नहीं, वो तू ही है जो उसके बेटे को टपकाएगा। कंफर्म, डेफिनेटली। जगह। हाँ भाई। बाहर से आने वाले को रोक दे। ये डार्लिंग मिल गया है साहब। शिवा भाई, पैसे ले आ, पिस्तौल दे दे। ये लीजिए भाई। साहब एक मिनट रुकिए। अरे रखना। एक मिनट रुकिए ना। ये देखिए साहब, साहब ये देखिए मेरे सर्टिफिकेट। देखिए साहब, साहब ये देखिए, मैं हायर सेकेंडरी में स्टेट फर्स्ट था, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था। अरे वाह, आपके पास नौकरी करने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की। बरोबर साहब,
एकदम बराबर। राजा, पिछले 30 सालों से बस नौकरों से काम चला लूंगा यही सोचता रहा। अरे नहीं रे पागल, अकलमंद भी साथ चाहिए, आज तूने एहसास दिलाया। मेरी जिंदगी का सवाल है। प्यार से बोल रहा हूँ। क्या बोलेंगे? 16वें के अंदर खत्म कर दे, नहीं तो 17वें दिन। साहब, मैं एक मामूली चींटी हूँ साहब। तू चींटी नहीं है, चट्टान है। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। डिफरेंट शहर छोड़ के भागना, पुलिस के पास जाना, ये सब सोचना भी मत। इसने हमारी बोलती बंद कर दी, अब देखते हैं कि ये क्या उखाड़ेगा। आते हैं थोड़ी देर में आते हैं, वेट करो तुम। जो कुछ भी बोला है ले लिया है। अरे कहाँ पे वो लौंडा? भाग गया। सूखी मच्छी सुपर। भाई को पता चलेगा तो सब खत्म। चंपा डार्लिंग। अबे चुप। क्यों चिल्लाते हो? सूखी मच्छी लाया हूँ यार। फंदे रे। भाभी, अगर तुमने इसे फौरन डाइवोर्स नहीं दिया तो अक्का फैमिली को टपका डालूंगा। ए, गाड़ी आगे दे रे, पकड़ते उसे। एंजल, चलो जल्दी। क्या हुआ? मेरे पीछे गुंडे आ रहे हैं, चलो। इसलिए मुझे भी भगा के लेके जा रहे हो? रुको। बैठ जा। ये क्या है? 60 के ऊपर 60? डबलिंग किया क्या? बोल पड़े ने क्या बोला? तो चींटी नहीं है, चट्टान है। तो पर्वत से होना चाहिए था ना। दिमाग खराब हो गया है क्या? वो घुड़घुड़े तुम्हें रैम्बो लेवल में आके छोड़ रहा है। ए, क्या कर रहा है? इससे जोश नहीं सिर्फ नशा आएगा, चढ़ जाएगी। अरे तुझे उस गोलपड़े को बोलना चाहिए था ना, मैं एक्शन हीरो नहीं हूँ, मैं तो चॉकलेट हीरो हूँ। मैं 11 दिनों में मरने वाला हूँ, तब तक मैं ऐश करने वाला हूँ। मुझे मेरा पैसा डबल होके मिल गया, कोई जिए या मरे मुझे उससे क्या। मैं किसी से नहीं डरता। 18 साल की पढ़ाई खत्म हो गई, बिल गेट्स बनने का सपना खत्म हो गया, कुल मिला के सब कुछ खत्म हो गया। लालची तबाही की जड़े कहा था ना मिस्टर बुद्ध भगवान ने, वो देखो, उनको बताने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। साहब सुन लिया ना, बाय। तुम भी समझ लेना। ओए, बोट को घुमा। अबे उल्लू, उन्होंने पूरी जिंदगी जीने के बाद कहा है, तूने तो अभी शुरू भी कहाँ की है। इसीलिए तो सुबह सुबह कहा था अपने गांव भाग जा, सुना क्या? वो सुबह की बात थी। कार का शीशा नीचे क्यों कर रही हो? रहने दे। क्या? मैं रो दूंगी। निकल पड़े है ना? मानती हूँ, तेरी माँ पतिव्रता थी, मानती हूँ। ये बता, हम दोनों असरानी की तरह क्यों बात कर रहे हैं? असरानी परिवार समेत अमेरिका टूर पर। आहा, बोट को रोको ना एंजल,
यही अंग्रेज के जमाने के जेलर का घर है। कच्चा बंदर। सुसु कर रही है, यहाँ मत करना इंजन। कमांडो साहब। कौन हो तुम? यही अशरानी साहब का घर है। तुम्हें क्या काम है? मैं प्रोड्यूसर हूँ। डायरेक्टर कहाँ चली गए? साइनिंग अमाउंट देने को आया था। मेरे पास दे दो, साहब आने पर मैं उनको दे दूंगा। रूबरू देने से ही डेट मिलेंगी ना। क्यों एंजल, मैंने ठीक कहा ना? कमांडो अंकल को बताओ ना कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेहसाणा से काम करने वाली आई ना, कांता बेन, वो है क्या? बड़ौदा वाली शांता बेन यहाँ काम करती है, और वो भी अपने पति के साथ लास्ट शो फिल्म देखने गई है। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। मतलब तुम्हारे सिवा घर में और कोई नहीं है, यही ना? 12 बजे के बाद एक चुड़ैल आने वाली है, उससे मिलके जाओगे क्या? अरे एक चुड़ैल का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक करती हूं। थोड़ा गुटखा मिलेगा? सड़क पे ढूंढो, गोबर मिलेगा, उठा के खा लेना। ऐसी आवाज आ रही है। चाबी तो मेरे पास ही है, कहीं सही में तो कोई चुड़ैल नहीं आ गई। अपने ससुर को तो कब खाना बना के खिलाएगी? ससुर को? पहले शादी करके किसी को ले आ, फिर उससे बोलना खाना बनाने के लिए। बेवकूफ लड़की। अरे चुड़ैल। मिस्टर हीरो, तुझे खाना खाना है? ए! मैं बात कर रहा हूँ और तो किक मार रही है। बात बात तक ही रहनी चाहिए। क्या बात बात तक ही रहनी चाहिए? सोफा टूट रहा है ना। क्या सोफा टूट रहा है? क्यों साहब, मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्या सही बोल रहा है तू? अभी से आंखें चकरा रही है। क्या आंखें चकरा रही है? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही है? तो क्या तू बड़ों जैसी हरकतें कर रहा है? क्या मैं बड़ों जैसी हरकतें कर रहा हूँ? हेलो, दुबई से बोल रहे हो? वहाँ मेरा दोस्त बाबूद है क्या? कौन? एक्टर असरानी बोल रहे हैं? मैं गोलपड़े बोल रहा हूँ। साहब, मैं बाला बोल रहा हूँ साहब। अरे बिल्कुल असरानी की तरह बोल रहा था। नहीं साहब, वो कॉलर ट्यून था साहब। अच्छा, हर बात में तो डिफरेंट है। साहब बोलिए साहब, क्या बात है साहब? कुछ नहीं बेटा, अभी 8 दिन बचे हैं। ये क्या साहब? अभी तो 11 दिन बाकी है साहब। यही तो, बस टेस्ट कर रहा था। टेस्ट कर रहा है, बोलिए साहब। कुछ नहीं डार्लिंग, कुछ दिन ही बचे हैं, बीच में कहीं आराम विराम ना कर लेना इसलिए। आराम कैसे कर सकता हूँ साहब? ठीक है बेटा, ब्रेन का काम है डिजाइनिंग। जॉन एफ केनेडी, डोंट स्लीप। हे, फोन पर कौन था? Who was on the phone? जो मुझे टपकाने वाला है वो। ये क्या मदन प्रकाश के घर में असरानी का फोटो टंगा हुआ है? उल्लू की पट्टे, नशा उतर गया तो सब कुछ भूल गया क्या? शाम को तो खुद ही ने कहा था मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं। मैंने ये नहीं, लगता है मैंने नशे में कुछ बग दिया, वो लोग मुझे जरूर मार डालेंगे, मुझे डर लग रहा है। एंजल, तू मेरे साथ कहीं कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं कर रहा ना? माँ कसम नहीं एंजल, गोलपड़े कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके बेटे के क्रियाक्रम के लिए अभी 11 दिन ही बाकी है, उसके बाद वो मुझे जरूर मार देगा एंजल। ये क्या एकदम सीरियस हो गया? बचपन से मैं सिर्फ तकलीफों के बीच पला बड़ा। भूख लगने पर समझ में नहीं आता था कि पत्थर खाओ या मिट्टी खाओ। गली गली भीख मांग रहा था,
किसी भले आदमी ने मुझे अनाथ आश्रम पहुंचा दिया, तकलीफ में पड़ा है कि अच्छी नौकरी भी मिल गई। सोचा था खुशी से जीऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा एंजल। मेरे नसीब में खुशी है ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। एक काम कर। क्या? ये टेबल पे कौन है? मैडम आपको क्या चाहिए? टू चिकन सबवे। फुल चिकन चाहिए ना? हाँ, फुल चिकन लेके आना, ठीक है? तुम्हें क्या चाहिए? आप ही बोल दीजिए। अरे सब मैं ही बोलूँ क्या? चार फुल चिकन बिरयानी, ठीक है? जाओ जल्दी लेकर आओ। कहाँ जा रहे पापा? अरे आता हूँ अभी। अरे हम तो ठहरे सावंत का बेटा कहाँ है? बोल, मैं नहीं जानता। बोलना। मैं नहीं जानता। नहीं, मैं भी इसके बारे में नहीं जानता। मैं कुछ ना कुछ दबा दूंगा। नहीं, बोलना। 72 केयर वार्ड में घूम रहा है वो। किसी को बताना नहीं, मैंने बताया। मैंने भी तुझसे पूछा, किसी को मत बताना। ए, रुक जा। मैं पीछे हट। अमेरिका अलग है, इंडिया अलग है भाई। देश के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। पिताजी के साथ थे तो हम भी रोज 10-10 लोगों को काटते थे, चीरते थे, टपकाते थे। खून देखे बिना नींद ही नहीं आती थी। पिछले 6 दिनों से आपके साथ घूम रहे हैं, सो रहे हैं। अब देखो, खून नहीं देखा इसलिए मैं और राणा एक दूसरे को गोली थोड़े ना मार सकते हैं। बोलो ना भाई। नहीं। लो मार लो। थैंक्स। गर्मी कम हो जाएगी। पांडे पिस्तौल ला। तू भी अपनी ला। पिस्तौल लेने से हम कहाँ बदलेंगे? गणपति पे लगा। ये क्या है दी? गेम है यार, यही गेम है। गेम? पांडे तेरी साइड में और राणा मेरी साइड में। ए, ध्यान से सुनो, मैं ऐसे खींचूंगा बत्ती जलेगी और जलते ही दोनों एक दूसरे को गोली मारोगे। ऐसे तो ये मर जाएंगे यार। अबे यही तो गेम है। तेरा आदमी पांडे अगर मर गया तो मेरी जीत होगी और मेरा आदमी राणा मर गया तो तेरी जीत होगी। बैटिंग होगी 5 लाख की। इसमें हमको क्या मिलेगा? जो भी जीतेगा वो मरने वाले की फैमिली को 2 लाख देगा। सुपर, सुपर। क्या साहब, ये भी कोई गेम है? छोड़ो ना। चल लगा। सुन नहीं रहा? चल लगा निशाना। मजाक मत करो साहब। चल लगा। तुम लोग की शक्ल देख देख के बोर हो गया हूँ मैं। बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ साहब। तो इसने क्या कुत्ते बिल्लियों को पैदा किया? चल लगा। ऐसा सोच कर धंधे में आया? सुन लिया ना तूने? आज नहीं मरेगा तो कल मरेगा। पुलिस क्या तो मरेगा तो फूटी कौड़ी भी मिलेगी क्या? चल लगा साले। हाँ, लगा तो, लगा तो सब। पांडे रेडी हूँ। लॉक खोल। ओके भाई, जल्दी कर। रेडी। लॉक रिलीज कराओ। उंगली ट्रिगर पे। पति को देखते रहो। Shit! What the hell? Damn it! Come on, next round. ये गेम तो सुपर है। इस बार बेटिंग 10 लाख की। Sit and enjoy the game, man. तो भाई मुझको 4 लाख। सुपर। क्या बात है बे? एक जरूरी काम से भाई को मिलना है। पांडे छोड़ना यार। भाई एक लौंडा तुम्हारे फोटो लेकर तुमसे मिलना चाहता है, क्या करूं? ठीक है, आने दो। उसे भेज दे, जाके मिलो। थैंक्स भाई।
नमस्ते भाई। कुमार गाड़ी ले ले। रुको ना भाई, गन देने के लिए तो आया हूँ। कौन है तू? मेरा नाम बाला है भाई। क्या? MCA किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मेरी नौकरी के सिलसिले में मिलने आया हूँ। ये क्या गवर्नमेंट ऑफिस है और मेरा फोटो लेके क्यों घूम रहा है? तेरे सर्टिफिकेट्स तेरे पास आ जाएंगे, फोट ले, चल फोट। भाई थैंक यू भाई, भाई थैंक यू वेरी मच भाई। हाथ मिलाइए ना भाई, मिलाइए ना, मिलाइए ना। कोई बात नहीं भाई, भाई अगर आपके घर में 10 कुत्ते हैं ना तो मुझे मिला के अब 11 हो गए हैं। वफादारी निभाऊंगा भाई, आखिर तक निभाऊंगा। आप जहाँ भौंकने के लिए कहेंगे मैं भौंकूंगा। थैंक यू भाई, चलता हूँ भाई, चलता हूँ, चलता हूँ भाई, चलता हूँ भाई। जरा गाड़ी रोकने को बोलो ना वफादार। हाँ भाई। राणा साहब। तू बैठ रहे भाई, मैं आपके पास कैसे? बैठना भाई। कुत्ता आपके बराबर कैसे? बहुत अच्छे। तो तू कॉकरोच है, चल बैठ गया। कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, ठीक है बैठ गया। कॉकरोच हमारे साथ बैठ गया। एंजल तेरी आइडिया से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पहले पगार से तुझे बड़ी ट्रीट दूंगा। कॉकरोच के हाथ से पिस्तौल पकड़ ले। ये किस लिए भाई? इसे खींचूंगा, बत्ती जलेगी, जल्दी इसे शूट कर देना। शूट किया तो ये मर जाएगा। मैं देख लूंगा भाई, मैं रेडी हूँ। भाई ये निशाना क्यों साध रहा है? वो भी लगाएगा, लाइट देखेगा, लाइट जलते ही तुझे शूट कर देगा। भाई रेडी? क्या खेल खेल रहे हैं? तैयार हो जा। बोला था ना 11वां कुत्ता बनेगा और वफादारी निभाएगा, अच्छी तरह भोकेगा बोला था ना। चल लगा ना राजा। आपसे तो आपके पापा ही बेहतर है। तूने मेरी बाप की याद दिला दी ना, चल अब लगा। पत्ती की तरफ देख रहे बंडे, रेडी ना? रेडी 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 ना, खींच रहा हूं। जल्दी 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 लाइट को देख। अप्रोच अप्रोच, रेडी 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 रेडी। बड़ा होशियार निकला लौंडा। बहुत मजा आ गया रमेश, बहुत मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। आपने बोला था ना। क्या बोला था? मर जाएगा तो देख लिया। मैंने तो देख लिया। जाओ भाई, जाओ भाई। गाड़ी शहर में ले लो। ए, कुमार को बोला मुझे टपकाने का आइडिया दे रहा साला। सुनो कुमार, पास वाले पुलिस स्टेशन में गाड़ी ले जाने बोल। पास के पुलिस स्टेशन पे गाड़ी रोक देना। ए, सब कुछ रिकॉर्ड किया है ना? से बेमौत मारूंगा देखना। इस बात मुश्किल से नौकरी मिली है, 19 तारीख को ज्वाइन करना है भाई। पुलिस ने पकड़ लिया तो लाइफ बिगड़ जाएगी भाई, छोड़ दो ना। हटो भाई के सामने से। कुछ करो ना भाई, तुम तो कुछ करो भाई, मैं निर्दोष। हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए, हम भी इसके लिए लगे हुए हैं उसके साथ। रमेश भाई, रमेश भाई प्लीज भाई, निशान भाई आप कुछ करो ना भाई। भाई 19 तारीख को मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है, अगर आज पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरी लाइफ बिगड़ जाएगी भाई, मुझे आगे बढ़ना है भाई। भाई कुछ करो ना भाई। दोनों का नंदर ही है ना? हाँ सर, दोनों का नंदर है। सबूत सब पक्का है ना? एकदम पक्का है। इसे रुमाल से उठाया ना? हाँ सर। एक्यूज कहाँ है? अंदर ही है सर। एक कांस्टेबल, उसे पकड़ के लाओ। ए, ए, अंदर क्या कर रहा है? ए, बाहर निकल, दरवाजा खोल। ए, कांस्टेबल, उसे जल्दी से बाहर लेकर आओ। अरे देखा इसको, हालत देखी। भाई
पल भर के लिए मेरी जान निकल गई थी। आजा खा जा, तेरे लिए बिरयानी रखी है, खाना खा ले आके। आजा आजा। Cockroach. What's the game? Tum paanch jano. Per head 3 lakh. Total 15 lakh. Cockroach ko jo bhi kuch lega, 10 lakh uska. Company ko 5 lakh. Deal? Okay, deal. Cockroach. Bhai. Kha liya na? Biryani khake maza gaya bhai. Ye le. Bhai. अपने खाना खिलाया, ऊपर से पैसा भी दे रहे, थैंक यू भाई। मेरे बाप ने तुझे 6 फुट दिया था, मैं तुझे 100 फुट दे रहा हूँ। भाई प्लॉट दे रहे भाई, बैंड स्टैंड पे देना भाई। नहीं राजा, यहाँ से उस गेट तक। गौर से सुन कॉकरोच, उस गेट तक तेरी जान का मालिक मैं। उस गेट को पार कर लेगा तो ये पैसे प्लस तेरी जान दोनों तेरे। कुछ समझा नहीं भाई। भाई ये क्या भाई, फिर से शुरू हो गए।
तेरी जान तेरी हो गई। इसी तरह शहर छोड़ के भाग जा कॉकरोच, फिर कभी तो दिखाई दिया तो गेम और खतरनाक होगा। भाई मेरे सर्टिफिकेट दे दो भाई, मैं कहीं भी चला जाऊंगा भाई। भाई कॉकरोच भाई, 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 भाई। तेरी वजह से मैं मुसीबत मोल के अपनी जान बचा के आया, बहुत बड़ी बात है। एक दिन बाद नौकरी ज्वाइन करनी है, सारे सर्टिफिकेट वहां फंस गए हैं, गोलपड़े फोन पे फोन किए जा रहा है और तू है कि यहाँ फोटो लेने में। डोंट वरी बालक, वी हैव इट। तो मुसीबत में पड़ेगी तभी ना पता चलेगा। आज गृह मंत्री शंभू यादव ने रामपुर में हुए एक महाकाल में हाउस ओनर संबोधित करते हुए कहा है कि लूट, चोरी, बलात्कार जैसी घटिया हरकतें जोरों शोरों से अपने आजू बाजू चल रही हैं। मैं कितना बेवकूफ होऊंगा कि अपने घर का पिछला दरवाजा बंद किए बगैर ही मैं चला। वॉचमैन, वॉचमैन आ रहा, वॉचमैन। तो बलराम वर्मा, ये एंजल किसी के बाप से नहीं डरती है। ये बात जाएंगे। मैं विपक्षी दल के नेताओं को बताना चाहती हूँ। जरा आहिस्ता तुम्हारी पोल खोलना चाहती हूँ। मैं सुनेगा यार, पानी पी चुकी हूँ। लेवल नीचे करना। कैच। अरे तू कहाँ जा रही है? ये तूने क्या किया एंजल? अरे सियासत में ये सब आम बात है। गोलपड़े से कैसे निपटेंगे पूछा था ना? खून कर दे। खून करके फिर क्या होगा? ऐश ही ऐश। गलत काम है ना? इसमें गलत क्या है? मुझे डर लग रहा है। कितनी सारी इंग्लिश फिल्में देखी हैं, उसमें अलग अलग मूड में अलग अलग तरीके से खून कैसे करते हैं ये तुमने देखा है। उसी में से एक सीन निकाल लेना। इन्हें क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो फिर फ्यूज लगाओ ना। फ्यूज ही उड़ गया है। तो अब क्या किया जाए? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो देखो पैसा लेके कैट वॉकिंग कर रही है। हमारे भाई के लिए कहीं ना कहीं जरूर कोई लड़की पली बढ़ी और आराम से सो रही है। बाप रे एंजल, उठो एंजल, मिनिस्टर अपनी फैमिली के साथ आ रहे। उठो एंजल, एंजल उठो, अरे जल्दी करो, उठो एंजल। मैं क्या करूं? वो आ रहे, वो गाड़ी से उतर रहे। उठो एंजल, उठो, जल्दी उठो। क्या कर रहे हो सोने? ओ ये समझ क्यों नहीं रही है? जल्दी उठना एंजल, उठ वरना फंस जाएंगे। उठ प्लीज, उठो ना एंजल, उठो। कॉफी? अरे बाप रे कॉफी, फंस गए तो लंच जेल में करना पड़ेगा। तुम में तो जरा भी सीरियसनेस नहीं है। हम गए काम से, फंस गए, हमारा किस्सा खत्म। अच्छी तरह देख लो, अरे उनके आने से पहले निकल लो। एंजल तुम जाओ तो उनके हाथ में फंसो और मरो, मैं जा रहा हूँ। विमला रानी, 8 स्टैंडर्ड बी सेक्शन। हाँ भाई साहब, बस अभी भी घर पहुंचे हैं। ये लो, तेरा चेहरा क्यों उतरा है? किसी चुड़ैल को देख लिया क्या? हाँ, चुड़ैल? मैंने तो कब्रिस्तान में भी ड्यूटी किया मैडम। ठीक है जाओ। एंजल वो यहीं पे आ रहे हैं, चलो पीछे के दरवाजे से निकलते हैं, चलो। अरे बच्चों आप खेलो मत, चलो स्कूल जाना है, जल्दी करो। इनका फर्नीचर एडजस्ट करना जरूरी है क्या? चलो निकलते यहाँ से, जल्दी चलो। ओहो फूल ठीक कर रही हो, अब रंगोली बनाओगी क्या? उस तरफ कहाँ जा रही हो? घर के आंगन में झाड़ू मार। मेरी बात सुनो, मत खोलो। डरपोक कहीं का। ए माधव, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। माँ कौन है ये? दीदी ये हमारी नई मौसी है। मुंह बंद कर। हाँ पूरा दरवाजा टिक वुड है, ये भी टिक है, सब कुछ टिक वुड है।
ठीक ठीक ठीक। अरे ये क्या लुक है? उल्लू के पट्टे। नोट करना। हाँ ठीक है। कैसे नोट करूँ? कहाँ कहाँ नोट करूँ? गोल्ड, गोल्ड, डायमंड। दिल है क्या? वो क्या होता है? नहीं है, सब कुछ ब्लैक है। हस्बैंड जेल में, वो भी नो जमानत। नेताजी, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बड़े अजीब ढंग से चल रहे हैं। कुछ मत पूछो भाई, जब मैं जिला प्रमुख था तब किसी ने मेरे खूंटा डाल दिया था। डाला तो डाला, निकाला कहाँ? हमारे लोगों में यही बहुत बुरी बात है, जो भी लगाता है, जहाँ भी लगाता है वहीं छोड़कर चला जाता। टिकवुड, सब कुछ टिकवुड, टिक टिक टिक। अरे ये तो देवदार है, लगता है रोजवुड है। चल उठाना। किस लिए? ए, उठाता हूँ। अरे ये सीढ़ी कहाँ ले जा रही हो? हाँ सुना है ऊंची ऊंची जगह पर पैसा छुपा कर रखा है, वही ढूंढने जा रहे हैं। बस चेक करके आती हूँ। तुम हो कौन? दिल्ली का कुतुब मीनार। मीनार? अरे रुको रुको रुको, मैं कुछ समझी नहीं। सीबीआई। धोती कमीज में? एसी सीबीआई। हट जाओ, फ्लाइट वेटिंग। सुनो जी, सीबीआई वाले आए हैं। अगला खूंटा लगवाने के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट करता हूँ। सीढ़ी रख के ढूंढ रहे हैं। सीढ़ी? इतनी जगह तो मेरे पास नहीं है। ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ए, जाकर देखो कौन है। चलो जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कौन फर्स्ट आता है बोलो, मैं कब देने के लिए आता हूँ। चप्पल से मारूंगा, जाकर पकड़ो उन्हें। ए, जल्दी चलना। वो देखो 16वें दिन की अंजलि भास्कर गोल पड़े। चल चलना। फोन लग गया है, स्पीकर ऑन करो। हेलो हेलो, कौन है? डार्लिंग, मैं गोलपड़े बोल रहा हूँ। बोलिए साहब, क्या बात है? परसों मेरे बेटे के क्रियाकर्म हैं। परसों नहीं साहब, कल है। यही तो, बस हूल दे रहा था। आपको अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मुझे तुझ पर इतना भरोसा है डार्लिंग, कि उसके बेटे के मौत के मैंने पोस्टर भी छाप के रखे हैं। लेकिन अपना ये जगदीश है ना शैतान, तेरा पोस्टर छाप के 17वें दिन पर लगाऊंगा ये सोच के बैठा है। उस दांत के डॉक्टर को हमेशा मजाक ही सोचता है। अबे चुप, कौन है दांत का डॉक्टर? हैं, हाथी घोड़े की कहानी सुनाकर भाई से पैसे लेकर चला गया। तुझे पता भी है कि उसका बेटा कहाँ बैठा हुआ है? जगदीश भाई, परसों मैं उसी के साथ था। हे 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 हे, उसके साथ क्या किया तूने? हाँ, साथ में बिरयानी खाया होगा। जगदीश भाई, आप वहीं पर थे क्या? हाँ क्यों नहीं, खाने के बाद चोर पुलिस भी खेला होगा तुम लोगों ने। जरूर आप छुप कर देख रहे थे भाई। चप्पल से मारूंगा साले, 25 स्टेट में उसको ढूंढने के लिए आदमी भेजे हैं और तू उसके साथ बैठकर खाना खाया है। भाई अभी भी आप इस पे भरोसा करते हैं? अबे ओए, वो कहीं और नहीं है भाई, वो इसी शहर में है, आंध्रा रजिस्ट्रेशन 7272 कैरेवन में घूम रहा है। बच्चू, हो सकता है भाई तेरी कहानी माने। अब 2 दिन बचे हैं, तेरे मरने का पोस्टर मैं अपने हाथों से चिपकाऊंगा। नई वैन की कहानी लेकर आया है, कौन मानेगा इसकी बात को। जॉन एफ कैनेडी। प्यार करने वाले कभी मुंह छुपा के नहीं भागते, उन्हें सर उठा के चलना चाहिए। इस गैब्रियल का यही उसूल था, उसूल है और उसूल रहेगा। कमिश्नर सर, गैब्रियल प्रमोशन के लिए इमोशन मत बनो, कंट्रोल योर लूज मोशन। किसे अरेस्ट करना है? कमिश्नर सर, कमिश्नर सर, विलन ग्रुप सर। तुम लोग जाओ, मैं देख लेता हूँ, जाओ गो। सर, आप सोच समझ कर ही बोल रहे हैं ना? सोचना मेरा काम है, समझना नहीं। फॉलो मी। पहले से इतनी प्रॉब्लम, एक और आ गई। जो भी होगा वो देखा जाएगा बच्चू। चुप। ये मिनिस्टर के घर की बात है, तुम लोग निकलो यहाँ से, चलो निकलते बनो, चलो। ओए, ये मिनिस्टर मिनिस्टर बोल के क्या आवाज कर रहा है?
मैंने साहब आवाज देने वाला पीछे खड़ा है। वो आके मेरा कान पकड़े तब तक क्या मैं वेट करूंगा? इज इट? एक बात बता, तूने शक्ति फिल्म नहीं देखी है? मैंने तो अखबार देखी है। उसमें दिलीप साहब का नाम क्या है? सलीम जावेद। वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है फिल्म के। उनका नाम रमेश सिप्पी था यार। उनका रिप्रेशन इम्प्रेशन कॉर्पोरेशन स्कूल में उनके करिश्मे पढ़ा हूँ मैं। मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। मर्द के बच्चे हो तो वहीं खड़े रह के बात करो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम ए सुपरस्टार। अरे रे 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 रे, क्या पंच है, तू सी ग्रेट हो सर। कितनी देर तुम लोग इसके साथ रहोगे? बाहर निकलोगे ना तो चीथड़े उड़ा देंगे। ए, चल रहे, चल। लोग देख रहे हैं, मैं खुल के रो भी नहीं सकता। साहब तुमसे नहीं डरने वाले। साहब आज यूनिफॉर्म में आपका रोब देखकर वो सब हिल गए। हिल जाता हूँ, कभी कभी हिला भी देता हूँ। नो, जब मैं अंदर जाता हूँ तो कोई बाहर नहीं जाएगा। लॉक कर लो। गुड इवनिंग सर, मैं सिटी बैंक से बात कर रही हूँ। गुड इवनिंग सर, आपका कौन से बैंक में अकाउंट है ये बता सकते हैं? बैंक के अलावा बाकी सभी दुकानों में मेरा अकाउंट है। सर आप क्या काम करते हैं? मैं क्या काम करता हूँ ये किसी को नहीं बताता, और बताना मना भी है क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ। आप लाइन चालू रखो, मैं कट करता हूँ। सर सर सर, बोलिए सर। आप अब तक मन ही मन मुझे कमिश्नर समझ रही हैं। हाँ सर। फॉर योर स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं एक मामूली कमिश्नर नहीं हूँ, एक पावरफुल इंस्पेक्टर, उसमें भी सब इंस्पेक्टर हूँ। वो गश्त पे गए हैं। उमा शंकर, सारा इंतजाम हो गया ना? किससे पूछ के किया? सब तैयार किया साहब। वो तो तब बताया था, अब बताता हूँ। जाके कर। लवबर्ड्स आते हैं ये सर। तुम लोग कौन हो? लवबर्ड्स सर। जानता हूँ, टिकट कंफर्म कर रहा था। डायलॉग नहीं आ रहा है तो थूक तो मत। उमा शंकर ले लो। यस सर। पहनाओ। मेरी पहले ही शादी नहीं हुई है, निकालो। सॉरी सर। अब इसके गले में डाल दो। क्या हुआ सर? एक बार मैं इसके साथ ऐसा सब कुछ शादी के बाद करना। सर मैंने भी ऐसा ही कुछ प्लान किया है। अटेम्प्ट टू स्कैम। डायलॉग नहीं आता, हंसता है बंदर कहीं का। पहनाओ माला। सर सर ये क्या? पहना। सर 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 सर, बस दो ही मिनट, हम दोनों बात करते हैं। नो 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 नो, नामुमकिन। सर सर, तीन मिनट में लौट के आ जा। थैंक यू सर। मेरी बात सुनिए सर, उसने तो दो मिनट ही तो मांगे थे। ए तू जाके अगली शादी का इंतजाम कर। शक्ल तो देखो, अदरक खाए काले बंदर की तरह है। ओह चल, जो भी हुआ बता देते हैं। क्या बताओगे? हाँ, हम दोनों लवबर्ड्स नहीं है, 420 है। हर रोज किसी ना किसी के घर में घुस जाते हैं, ऐसा बोल दिया ना तो मिनिस्टर के घर से चपरासी के घर तक बड़ी सी लिस्ट बनाकर हमें अंदर बिठा देंगे। देखो जरा अंदर देखो। और मैं इस तरह से अंदर बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, प्लीज। तो उसके लिए मैं तुझे मंगलसूत्र पहनाऊं? दूल्हे राजा फिल्मों में कतरीना, सलमान, प्रियंका सभी शादी करते हैं, तो क्या सच में उनका घर भस जाता है? अरे ये शूटिंग है, ऐसा समझ लो। मुझे नहीं होगा, मुझे छोड़ दो। अरे कुचू, असली शादी वो होती है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में, मंदिर में मंगलसूत्र पहनाकर होती है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में आते हैं। वो बेवकूफ ये नहीं जानता है, तू एक घूचू और वो एक घनचक्कर। चल अब चल वहाँ पे। छोड़ना। जहाँ तक मेरा सवाल है, शादी ऐसे की जानी चाहिए परिवार के बड़े लोग मिलके, अच्छा दिन देखकर, अच्छी तारीख देखकर, अच्छे नक्षत्र में शुभ मुहूर्त निकालकर, देवलोक के सारी देवी देवताओं के आशीर्वाद को लेकर, अग्निदेव को साक्षी मानकर, सात फेरे लेकर, सारी दुनिया देखती रह जाए, ऐसी शादी होनी चाहिए। क्या कह रहा है वो? बहुत पका रहा है सर। मुझसे भी ज्यादा? हाँ सर। ए गोचू इधर आ, इसकी इतनी हिम्मत है? ए बिना बताए चली आई? ए आने के बाद ही बताना है, पकाऊ को पकाता है। चुपचाप माला पहन, थमाओ मंगलसूत्र। शहनाई कहाँ है बे? ये क्या स्लो मोशन? बांधना। अरे बांधना, बांध रहा हूँ, बांध रहा हूँ। सर सिर्फ दो ही गांठ बांधे हैं सर। क्या समझता है, तीसरी गांठ मैं बांधूंगा? नहीं बांधूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं बांधूंगा। बांध रहा हूँ सर, बांध रहा हूँ। गैब्रियल, गैब्रियल। मुझे क्यों पुकारा तूने? चलो फूल डालो सब लोग। फूल डालो, फूल डालो।
Many, many happy returns of the day. Thank you, sir. Keep it. Oh, wrong place. Gabriel का ladies bar गया था ना, इसलिए. एक बात जानते हैं साहब, बताओ। ये एक स्पेशल मैरिज है। स्पेशल मसाला डोसा का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, मैंने सिर्फ इडली मांगा था। ये बात नहीं है साहब, ये आपके हाथों कराई स्वामी शादी है। ओह आई सी, परी एंजल सर। अरे हिंदी में परी होता है, वापस ले ले। ऐसे ही रिवर्स गियर डाल के आगे आ जाओ, भाग जाते हैं। पैसे लौटाओ। क्या साहब, गिफ्ट देके वापस ले लेते हो? एक पावरफुल सब इंस्पेक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम दोनों मेरे चीफ गेस्ट हो, मैं तुम्हें चीफ नहीं कर सकता। वन मिनट मिस्टर बालू। माते फंस गए। मम्मी ये इतना पकाता है तो माँ कितनी पकाएगी? माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। पता नहीं इसने कितनों की शादी कराई है, लेकिन आज तक किसी को भी घर नहीं लाया। लगता है तुम्हारे इस घर से जरूर कोई राशि है बेटी। सिर्फ इसी घर की नहीं माँ जी, बल्कि शहर के सभी घरों से मेरी अच्छी राशि है। क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी जॉब ऐसी है माँ जी, हर एक घर घर जाकर टैग लगाना अच्छा? पड़ता है। मॉम क्या बात है बेटा, पीछे वाला कमरा मैंने दामाद जी के लिए फिक्स कर दिया है। हाँ। उस लड़की को जाके मिक्स होने के लिए हाँ। बोलो। पीछे वाला कमरा? हाँ हाँ। वहाँ तो एसी नहीं है। इस क्लाइमेट में तो एसी भी स्टेशन में नहीं आते हैं, रूम में एसी की क्या जरूरत है? ये बता, पीछे वाले कमरे में एसी नहीं है, ये बात तू कैसे जानती है? गैब्रियल, गैब्रियल। इसका जॉब ही ऐसा है बेटा। गैब्रियल जरा माथा दिखा ना। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल मधुबाला दिख रही हो। चलो चलो। तेरी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंजल, हर बात की एक हद होती है। प्राणनाथ, क्या मैं आपको पसंद नहीं? तू चुप नहीं रह सकती, मुझे खूनी बना देगी। खून करो स्वामी, खून करो। बस कर। मारने के बहाने आप मुझे स्पर्श तो करेंगे और इस अभागन की जिंदगी सफल हो जाएगी। स्वामी स्वामी स्वामी, सर फोड़ दूंगा। प्राणनाथ लहू, लहू, लहू का सिंदूर, सपने और दूध लेकर शयन कक्ष में घुसते समय मेरे प्राणनाथ मुझे सीने से लगाएंगे और मुझ पर प्यार भरे चुंबन बरसाएंगे, यही सोचा था मैंने। लेकिन अफसोस, धोखा हुआ, मेरे सपने चूर चूर हो गए हैं। ऐसी हजारों रातें आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारे लिए यही पहली रात है, लेकिन आपके लिए यह है आखिरी रात। ऐसे क्या देख रहे हैं सैया? दूध पीजिए ना बलराम वर्मा, पीजिए ना, इसका खून कर दें सबके लिए। आज मरे तो कल लाश के मुंह में दूध, लेकिन आपके लिए आज दूध कल। हटा सामने से। मेरी प्रॉब्लम तेरी प्रॉब्लम नहीं है क्या? जिंदा गाड़ते समय जिसने मुझे बचाया वो कमीना मुझे मिल जाए ना। अगर पति को कोई प्रॉब्लम हो तो असर तो पत्नी पर ही होगा ना। पति तो परमेश्वर होता है। ए, पहले इसे निकाल के फेंक दे। मियाँ जी के जीवित होते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे भी एक दिन बाद मुझे मरना है, उसके बाद तो खुद ही निकाल के। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे मन में आपके लिए सच्चा प्यार है, मेरे मंगल सूत्र में वाकई शक्ति है, तो ये जरूर आपकी रक्षा करेगा। खूनी लड़की, तू ही काफी है ना, उनके डर से तेरे साथ भाग आया हूँ, लगता है तू ही मुझे मार डालेगी। हे बालू,
रूठ गए क्या? क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं अपने पति को इतनी आसानी से थोड़ी ना मरने दूंगी। जब मैं ऑर्फनेज में पढ़ती थी, मेरा कोई नहीं सोचकर रोती थी। तब सिस्टर कहती थी, ईश्वर ने सबके लिए एक गार्डियन एंजल रखा है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सारी तकलीफों को दूर कर देता है। ठीक उसी तरह है हमारे लिए गैब्रियल और तुम्हारे लिए ये एंजल। नहीं एंजल, तूने जो भी कहा सही कहा। मेरे नसीब में आज दूत है और कल मौत। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि आज मेरी आखिरी रात है। देखा, बिजली चली गई। रॉन्ग सेंटिमेंट, जो मैंने कहा वही होगा। ऐसे मौके पर ये सही सेंटिमेंट है, पता है? तुम्हारी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? आज हमारी सुहाग रात।